हाय एवरीवन, अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है। और बिल्कुल आप लोगों के निरंतर दबाव के कारण सीधी बात नो बकवास में इतिहास का अगला टॉपिक हम देख रहे हैं, जो हमने बात कही थी कि दो गवर्नर जिनके बारे में जानना मेरे हिसाब से हर भारतीय ने चाहिए, उसका बड़ा कारण है क्योंकि इन्होंने ही ब्रिटिश सरकार या कंपनी राज को भारत में बहुत ही ज्यादा मजबूती दी। इन दो गवर्नरों के कारण ही ब्रिटिश सरकार भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रही, क्योंकि भले ही 1857 में भारत जब ब्रिटिश शासन के पूर्णतः अधीन आ जाता है और 1858 का अधिनियम आता है, लेकिन इसके बीच अगर हम देखेंगे तो वो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग, जो बक्सर के बाद बंगाल में हम कहेंगे कि गवर्नर जनरल के रूप में आए थे, हम इन दोनों को जानेंगे, क्योंकि इन दोनों के कार्यकाल को समझना, इन दोनों की बातों को समझना ही हमारे इतिहास को बेहतर कर देगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सीधी बात नो बकवास में, रॉबर्ट क्लाइव और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी के युद्ध से लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के दो गवर्नरों का नाम सामने आया, जिसमें पहले थे लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें लॉर्ड क्लाइव क्योंकि गवर्नर जनरल को लॉर्ड के नाम से वो जानते थे, और दूसरे थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अगर हम एक बात करें, पहले तो मैं आप थोड़ा आपको रिवाइज कर दूं अगर भूल गए होंगे, तो सबसे पहले हमने कवर किया था प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद हमने स्टार्टिंग की थी बक्सर के युद्ध की, बक्सर के युद्ध के बाद हमने आपको इसमें बताया था इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन, यहां तक की बात हमने की है। हम इन्हीं बातों को एक बार और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें समझना है इन दो गवर्नरों के कार्यकाल को, हमें समझना है कि आखिर इनमें ऐसी क्या खासियत थी जिसके कारण कंपनी अपने आप को बंगाल में, या मैं कहूं कि उस समय भारत के संपन्न क्षेत्र में अपने आप को न केवल स्थापित कर पाई, बल्कि बड़ी मजबूती से भारत के अन्य क्षेत्रों को भी हड़प करने की प्रारंभ कर चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव का योगदान, कई इतिहासकारों द्वारा क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कारण यह है क्योंकि प्लासी के युद्ध ने एक तरीके से कंपनी के बारे में न केवल लोगों की धारणा बदली थी, बल्कि कंपनी के शक्ति का अंदाजा भारत के नवाबों, राजा महाराजाओं को होने लगा। जबकि आप भी जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में हम कह सकते हैं कि किस्मत ने बहुत साथ दिया था, लेकिन फिर भी बहुत ही कम सेना, बहुत ही कम शक्ति के साथ अगर प्लासी का युद्ध जीता गया तो उसमें सबसे बड़ा हाथ था रॉबर्ट क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का। तो वास्तविक संस्थापक अगर भारत में पूछा जाए ब्रिटिश साम्राज्य का, तो कई इतिहासकार रॉबर्ट क्लाइव को ही, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव को ही इस संस्थापक मानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट ने क्लाइव को जन्मजात सेनापति की संज्ञा दी थी, मतलब क्लाइव को जन्मजात सेनापति कहा था, क्योंकि यूरोप पहली बार यूरोप के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में अपना विस्तार करने का प्रारंभ कर रहा था, विशेषकर ब्रिटिश जो कंपनियां थी वो यूरोप के अलावा अन्य किसी स्थान में अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश कर रही थी। आप ये इमेजिन करिए कि भारत का कोई व्यक्ति अगर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश करेगा तो निश्चित ही भारत के सेना का वह कोई भी बेहतरीन, हम कहेंगे कि न केवल सेनापति होगा बल्कि वह बेहतरीन सैनिक भी रहा होगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उस जमाने में वह अपने क्षेत्र के बेहतरीन सेनापति रहे होंगे, और इसीलिए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्नर के रूप में भेजा गया।
तो जन्मजात सेनापति की संज्ञा दी थी हमारे ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री ने। क्लाइव दो बार भारत में गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल तो तब नाम आया था जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो गवर्नर कहे तो ज्यादा बेटर है, गवर्नर कहे तो ज्यादा बेटर है। प्रथम कार्यकाल 1757 से 1760 और दूसरा कार्यकाल 1765 से 1772। तो 1757 से 1760 इस दरमियान आपको याद होगा प्लासी का युद्ध, और उसी के बाद 1765 आपको याद होगा कि बक्सर का युद्ध। तो क्लाइव दोनों ही युद्धों के समय गवर्नर थे। प्रथम कार्यकाल 1757 से 1760 बंगाल में शोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया अपने इस कार्यकाल में। शाह आलम द्वितीय की पराजय में मीरन की सहायता करना, मतलब इनडायरेक्टली आपने अगर देखा होगा तो शाह आलम द्वितीय के साथ जो मीरन की इनडायरेक्टली मदद की थी, और अगर नहीं भी पढ़ा हो तो बस ये पॉइंट जरूर याद रखना कि शाह आलम द्वितीय की पराजय में मीरन की सहायता करना। डचों को हराने में, विशेषकर क्योंकि उस समय यूरोपियों में डच, यूरोपियों में हम कहेंगे कि फ्रांसीसी बंगाल में अपना प्रभुत्व कायम करना चाह रहे थे, और ऐसी परिस्थिति में उनके प्रभुत्व को खत्म करके ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो डचों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका, हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया, और उत्तरी सरकार, ज्योग्राफी में याद करना मैंने बताया था उत्कल के बाद उत्तरी सरकार जो आंध्र प्रदेश वाला तट होता है उस पर अधिकार स्थापित किया। कपटपूर्ण नीति द्वारा प्लासी में विजय प्राप्त की। अगर प्लासी में विजय हुई तो उसका बहुत बड़ा श्रेय रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति को जाता है कि किस तरीके से प्लासी में बंगाल के नवाब के खिलाफ ही उनके परिवार का, उनके परिवार के लोगों को विरोधी करना, बंगाल के जो भी बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे उनको बंगाल के नवाब के खिलाफ करना और मदद कर पाना, मदद करना इनडायरेक्टली, तो हम ये कह सकते हैं तो कपटपूर्ण सही, कूटनीति ही सही, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अपनी विजय तय कर ली। इनका द्वितीय कार्यकाल 1765 से 1772 रहा। इलाहाबाद की संधि जो बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी उस पर हस्ताक्षर करने वाले यही रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, असमर्थ सैनिकों की सहायता के लिए लॉर्ड क्लाइव फंड, जैसे कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने भी एक फंड बनाया है, वैसे ही जो भी सैनिक युद्ध में अपना किसी शरीर का अंग खो देते थे या फिर हो सकता था कि सैनिकों को बहुत शारीरिक क्षति पहुंचती थी, ऐसे सैनिकों के लिए लॉर्ड क्लाइव फंड की स्थापना की थी इन्होंने। सेना में दोहरे भत्ते को समाप्त कर दिया था। सेना में जो दोहरा भत्ता मिलता था, मतलब एक तरीके से सेना को कंपनी की तरफ से भी और राजा की तरफ से भी, उसको रोक कर केवल और केवल भारत के जो नवाब मिलेंगे उसके द्वारा ही। अब कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को बंद करने का आदेश, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी कारण से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कंपनी के कर्मचारियों को भेंट तथा उपहार आदि स्वीकार करने के संबंध में एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था की गई। डाक व्यवस्था की शुरुआत भी क्लाइव ने की, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया था। आइए ओवरऑल देखें कि रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल किस निगाह से देखा जाए। तो क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, इसमें कोई डाउट नहीं। कंपनी को व्यापारिक प्रतिष्ठान से राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया, क्योंकि अभी तक कंपनी केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद जब बंगाल में वह अपनी मर्जी से बहुत सारे परिवर्तन करने में सक्षम रही, यहां तक कि बंगाल का नवाब भी उनकी कठपुतली बन चुका था, तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यापारिक कंपनी की छवि राजनीतिक कंपनी के रूप में बदलने का जो काम किया वह इन्हीं के द्वारा किया गया। अपनी कूटनीतिज्ञता के बल पर ही क्लाइव ने कर्नाटक के दूसरे युद्ध में अंग्रेजों की संभावित हार को भी जीत में बदल दिया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था वहां पर भी क्लाइव के कारण ही जीत संभव हो सकी थी। क्लाइव ने हॉलैंड तथा फ्रांस जैसी शक्तियों का प्रभाव भारत में सदा के लिए समाप्त कर भारतीय शक्तियों में
कंपनी के गौरव, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। इसी कारण रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक और जन्मजात सेनापति की संज्ञा दी गई। यद्यपि क्लाइव में कतिपय चारित्रिक दोष अवश्य थे, किंतु देशभक्ति की भावना प्रबल थी। लॉर्ड क्लाइव फंड क्या था? जैसे भी मैंने बताया कि युद्ध के दौरान शहीद अथवा घायल हुए ब्रिटिश सैनिकों को आर्थिक सहायता देने हेतु स्थापित फंड, पर वास्तव में इन पर भी अभियोग चलाया गया था। अमीचंद, सिराजुद्दौला तथा मीर जाफर के कारण अभियोग चला, हालांकि आरोपों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन अंत में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। मतलब एक बहुत बड़ा चैप्टर कुछ इस तरीके से अंत हुआ, ये किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंत में क्लाइव ने आत्महत्या की। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइव न केवल और केवल एक बहुत बड़े देशभक्त रहे ब्रिटेन सरकार के अनुसार, साथ ही साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे, एक अच्छे रणनीतिकार थे, जिसके कारण वह प्लासी के युद्ध को, जहां पर जीतना बिल्कुल संभव नहीं था, उसे जीत सके। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, एक राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया, बाकी यूरोपियों के भारत में प्रभुत्व को समाप्त किया और भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना में एक अहम योगदान निभाया। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम इतनी बातें जरूर याद रखें। उसके बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, और वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में मैंने बताया था कि ये पहले गवर्नर जनरल बने थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक परिवर्तनों का उद्देश्य, क्योंकि आप लोगों को याद आता होगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, वह कंपनी ने लोन मांगा था ब्रिटिश सरकार से, तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ उसके शक्तियों को अपने पास रखा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि कहीं यह इतना ज्यादा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली ना हो जाए कि कल ही या फिर आने वाले टाइम में ही ब्रिटेन को चुनौती दे। तो परिणाम स्वरूप जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्हें गवर्नर जनरल का पद दिया गया था, तो ऑब्वियसली प्रशासनिक परिवर्तन तो होने ही थे, क्योंकि उनको लाया ही सुधारों के लिए था कि कंपनी में अब भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और कंपनी की राजनीतिक शक्तियों को ध्यान रखा जाए कि वह किस प्रकार की राजनीतिक शक्तियां ला रही है। तो कंपनी द्वारा दीवानी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करना, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और भ्रष्टाचार को दूर करना, वैसे रेगुलेटिंग एक्ट में ही लाया गया था ये, द्वैत शासन प्रणाली के दोषों को दूर करना और कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो प्रशासनिक सुधारों में कंपनी को एक तो मजबूत करना और वहां पर दीवानी में जो भी राजस्व वसूला जा रहा था उसे बेहतर करना, द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करना, बंगाल के नवाब की पेंशन कम करना, जो अभी तक 32 लाख थी उसे 16 लाख करना, राजकीय कोष को कलकत्ता में स्थानांतरित करना, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध, डकैतों के दमन हेतु आरक्षी विभाग, एक्चुअली उस समय शायद एक चैनल है जिस पर इन डकैतों के बारे में वर्णन किया गया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उस चैनल में भी इन डकैतों के बारे में बताया गया है कि उस जमाने में यह इतने ज्यादा शक्तिशाली डकैतों का समूह बन गया था कि वहां पर बिल्कुल भी रात के समय, शाम के समय जो भी व्यापारी हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो कभी भी बिल्कुल हम कहेंगे कि भयमुक्त होकर जा नहीं सकते थे। तो डकैतों का डर बहुत बढ़ गया था, उसे खत्म करने के लिए आरक्षी विभाग का पुनर्गठन, प्रत्येक जिले में एक स्वतंत्र पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, स्वतंत्र पुलिस अधिकारी की, मतलब कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुधारों में, पुलिस सुधारों में या पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, पहले 5 वर्षीय बंदोबस्त किया किंतु 1777 से 1 वर्षीय बंदोबस्त, मतलब 5-5 वर्षों के लिए उन्होंने राजस्व के लिए निर्धारित किया, उसके बाद 1777 से 1 वर्षीय बंदोबस्त, राजस्व परिषद का गठन कलकत्ता में, कर कलेक्टरों की नियुक्ति आलमों की जगह, जो जैसे कि हमारे बक्सर के युद्ध के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ दीवान घोषित किए गए थे, अब आलमों की जगह, दीवानों की जगह कर कलेक्टरों की नियुक्ति। राजस्व की इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य राजस्व का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना था, इसमें कृषकों के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने व्यापार में क्या सुधार किया? तो प्रशासनिक सुधार तो काफी मजबूत करना था,
दस्तक की व्यवस्था को समाप्त किया गया। दस्तक का मतलब जो मुफ्त में करना था, सभी से कर लेने की व्यवस्था की गई सिर्फ पांच चुंगियों को, मतलब जहां से करों का संग्रहण होगा और करों को वसूला जाएगा, कलकत्ता, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद और हुगली। बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना की, मतलब व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया। नमक, तंबाकू और सुपारी के अतिरिक्त सभी व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी में 2.5% की छूट दी ताकि चुंगी का कलेक्शन बढ़ सके। भूटान, तिब्बत और मिश्र में भी व्यापारिक मिशन भेजे ताकि अतिरिक्त आय के भी सोर्स मिलते चले जाए। फिर न्यायिक सुधारों में जमींदारों के पास केवल साधारण मुकदमे सुनने का अधिकार रहने दिया, क्योंकि उस समय एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में। कलेक्टर के अधीन दीवानी अदालत तथा गवर्नर जनरल के अधीन कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की। काजी मुफ्ती के अधीन निजामत अदालत तथा सदर काजी के अधीन सदर निजामत अदालत की स्थापना की, फौजदारी वाले मामले। बंगाल का नवाब अभी भी निजामत अदालतों का प्रमुख था, मतलब फौजदारी मामलों का, लेकिन निजामत अदालत को मृत्युदंड देने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही फौजदारी के मामले नवाब के पास थे, लेकिन जब भी मृत्युदंड का कोई भी व्यक्ति को देना है तो गवर्नर जनरल से अनुमति लेना जरूरी कर दिया था। जमींदारों के पास न्यायालयों के लिए रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया, न्यायालयों को रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया। निश्चित समय अवधि के भीतर मामलों के निपटारों की व्यवस्था की। कानून सुधारों में वॉरेन हेस्टिंग्स को हमेशा याद रखा जाता है। भारी जुर्माने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी। सरकारों द्वारा न्यायाधीशों को वेतन दिए जाने की व्यवस्था तथा न्यायाधीशों द्वारा फीस तथा उपहार भेंट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। न्याय निर्णयन हिंदू और मुसलमानों के धर्म के अनुसार किए जाने की व्यवस्था की। हिंदू हेतु हिंदू कानून संहिता का निर्माण करवाया। फाइनली अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने केवल और केवल ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत किया, बल्कि हम कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने उसमें सुधारों का काम ज्यादा किया। इन्हीं के कार्यकाल में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार और बहुत सारे न्यायिक सुधार हुए, जो आज भी शायद लगते हैं कि होने चाहिए। अभी भी बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स का काल परिवर्तनों का काल था। वॉरेन हेस्टिंग्स एक प्रयोगवादी गवर्नर था, उसने प्रशासन के पुनर्गठन हेतु अनेक प्रयोग किए, यदि भी उसने कोई स्थायी कानून लागू नहीं किया। यही कारण था कि अभी भी कंपनी की सेवाओं में भ्रष्टाचार था। इस हेतु संचालन मंडल भी उत्तरदायी था, जो संचालन मंडल मैंने बताया था, जो कंपनी चलाने के लिए सबसे ज्यादा शेयरधारकों का समूह होता है। तथा यह भी सत्य है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी के शासन का पुनर्गठन कर वहां व्यवस्था स्थापित की, जो परवर्ती गवर्नर जनरलों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। इसी के बाद जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं, आप जानेंगे उन्हें कि भारत में न केवल आईएएस जैसे या प्रशासनिक या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की स्थापना में बहुत अहम रोल निभाया, पर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद ही जो भी गवर्नर आए वो नए परिवर्तनों को करने के लिए समझ पाए कि परिवर्तनों को कैसे किया जाता है और कैसे लागू किया जा सकता है। तो इन दोनों का जो कार्यकाल था वो कहीं ना कहीं पूरी इतिहास में, भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में बहुत सी चीजों को स्पष्ट करता है कि क्या क्या बदलाव लाए गए होंगे। चेत सिंह अवध की बेगमों का मामला, नंद कुमार की हत्या का मामला, रुहेला युद्ध इत्यादि के संदर्भ में इंग्लैंड में वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया, किंतु अंत में उसे बरी कर दिया गया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को भी बरी करने के बाद उन्होंने आत्महत्या की, जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को बाकी सभी मामलों से बरी कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 1781 में बंगाल जुडिशरी एक्ट, क्योंकि इनके द्वारा जो भी कानून या फिर हम कहेंगे कि न्यायिक परिवर्तन हुए, उन न्यायिक परिवर्तनों को और मजबूत करने के लिए 1781 में बंगाल जुडिशरी एक्ट आया था। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे बंगाल जुडिशरी एक्ट, और बंगाल जुडिशरी एक्ट में ऐसी कौन सी खासियत थी जिसके कारण भारत में कानून और भी मजबूत होते चले गए। अंत में दो इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता दें कि हमारा जो लगातार प्लस पर क्लासेस चल रहा है, उन सभी क्लासेस को आप प्राप्त कर सकते हैं। 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन है आपके पास, सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 40,000 फीस है, लेकिन अगर आप लोग एमके लाइव रिफर कोड यूज करेंगे तो यह रिफर कोड आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। साथ ही हमारे सारे क्लासेस आप हमारा रिफर कोड यूज करके भी सारे एजुकेटर्स की क्लास प्राप्त कर सकते हैं। 36,000 में आपको 1 ईयर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिलेगा।